स्टार्ट हो जाएगा। अलबत्ता पोर्ट है, हमने एक बोर्ड जो मिस किया उस पर लिखा हुआ था वेलकम टू यूएई। कोशिश ये मेरा ख्याल इनका वो फायर ब्रिगेड का ऑफिस है। यस, बता में तो हम लोग चाह रहे हैं कि यहीं पे हमें कोई पेट्रोल पंप मिल, हम लोग फ्यूल फिल करा लें, क्योंकि आगे यूएई में एंटर हो गए तो वहाँ पे जो है पेट्रोल ज़्यादा महंगा है, तो इस वजह से जितना हो सकता है हमारे पास पेट्रोल तो है अभी गाड़ी में, ऑलमोस्ट हाफ टैंक है, तो लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि इधर से एक दफ़ा फिर फिल करा के फिर यूएई में एंटर हो, क्योंकि अभी हमारा 482 किलोमीटर बाकी है और अभी तक हमने 439 किलोमीटर जो है वो कर ली है। बात कर रहा था रात के सफर के बारे में। जी, बड़ा कंफर्टेबल, पुरसकून, कोई रश नहीं है और आप अपनी मर्जी से जो है ना जी ड्राइव कर सकते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला पता क्या है, कुछ जो ऑडियंस है वो कहती है, मैंने एक दफा पहले सऊदी जाने का वीलॉग बनाया था तो लोग नीचे कमेंट्स थे कि दिन में आप जाए तो फिर बनाए, रात में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कैमरा जितना भी फोकस कर ले यहाँ पे ये ऑलमोस्ट सहरा है, ये शीशे का हाल देख ले, फ्रंट जितना मर्जी साफ करे वो वीडियो में थोड़ा ब्लर ब्लर दिखता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जी, अभी हमें अमारात के साइन बोर्ड नज़र आना शुरू हो गए हैं, तो हम नज़दीक ही हैं ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर, तो इंशाल्लाह 10 किलोमीटर के बाद हम अमारात में इंटर हो जाएंगे। ये नहीं जी, फाइनली हमें पेट्रोल स्टेशन मिल गया जो कि 8 किलोमीटर अमरा से 7 किलोमीटर जो है ना पीछे है, तो यहाँ से अभी हम अपना आप फिल करें, होने से पहले यहाँ से फिल करा लें क्योंकि वहाँ पे ज्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ से पेट्रोल। ओके जी, रात का टाइम था, पूरा सहरा है, ये कितने मच्छर, ये कीड़े मकोड़े, आगे फुल जो है ना कत्लो गारत जो है ना हुई हुई है, तो यहाँ पे वो स्प्रे जो होती है ना वो यूज कर लेंगे, वो पेंट प्रोटेक्शन स्प्रे होती है वो आप आगे लगा सकते हैं, वो अगर कर दें तो उससे ये पेंट बच जाता है। अभी ये देखें कि हमारी स्क्रीन पे भी इसी तरह था, वीडियो में भी काफ़ी ब्लर आ रहा था, तो अभी ये साफ की है, कुछ बेहतरी आई है इसमें, क्योंकि अगर आपका विजुअल क्लियर नहीं है मोस्टली रात के टाइम तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए। लें जी, जहाँ पे भी रुकें गाड़ी में, हमने तो एक प्लास्टिक बैग रखा हुआ है, पानी की बोतलें, कॉफ़ी बना के पी रहे हैं और कुछ भी लेज वगैरह, कचरा उसमें डालते जाएं और ड्रम में फेंकें। क्यों ये जी, सऊदीया में जो है ना हर फ्यूल पम्प पे प्राइस डिफरेंट है, वहाँ पे हमने 2.18 रियाल में डलवाया था, यहाँ पे 2.23 रियाल। वो कह रहा था ये पेट्रोल स्टेशन है क्योंकि दूर पड़ता है ना जो आते हैं तो वो कॉस्ट डालते हैं। अभी ये 17 लीटर और गए जी, अभी 17.04 पेट्रोल, 38 रियाल का बना, 38 रियाल का जो बना है। एंड ऑफ वीडियो आपको बताएंगे, हमारा तो मालूम नहीं है, बॉर्डर 5 किलोमीटर बाकी।
मतलब वो अमरनाथ ही हो गया ना। करेंगे ये देखते हैं जी, आगे टूल प्लाजा सा बना हुआ है, पता नहीं ये कस्टम ऑफिस है सिक्योरिटी। यहाँ पे भी एक ही काउंटर ओपन है, शायद रात का टाइम है, रात के टाइम पे इतना कोई मरहल बर्डन नहीं है ना उनके लिए, बिल्कुल, तो इसीलिए एक ही काउंटर, दो गाड़ियां आगे खड़ी हैं, तीसरी हम लोग जाएंगे। तो ये है जी इनका कस्टम का कस्टम ऑफिस, इमिग्रेशन आगे हुआ, ये कस्टम, ये कस्टम है ले जी। यहाँ से कस्टम का जो काउंटर था वहाँ पे उन्होंने ये पेपर दिया है, ठीक है, जैसे ही यानी अब जब हम आए थे बहरेन से तो स्टार्ट में वो फर्स्ट काउंटर पे पेपर देते हैं ना जो कि लास्ट में एंड पे देना होता है, तो यहाँ से कस्टम वालों ने दिया है। आगे पहुँचते हैं जी, ये कौन सा काउंटर है, ये इमिग्रेशन है, ये इमिग्रेशन आ गया जी। ले जी वहाँ पे सिंपली हमने पासपोर्ट दिए हैं, उन्होंने पूछा है कितने लोग हैं, तो हम तीन लोग हैं, तो ये पासपोर्ट वापस दे के तीन पेपर दे दिए हमें, यस, संभाल कर तीनों बंदों के नाम पासपोर्ट वगैरह, ठीक है। तो अभी ये बॉर्डर के आगे जो आएगा इमारात का कस्टम ये सब, इसमें ये स्पेस खाली है, यानी ये वाया इसमें आगे पहुंचेंगे फिर जाके उनका आएगा, यानी बहरीन में तो था, जैसे ही बहरीन का ख़त्म होता था आगे सऊदी की इमिग्रेशन और सब शुरू हो जाता था, तो इसमें ये इतना डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, हाँ लेस देन 1 किलोमीटर तकरीबन है। इधर से आप जब भी आए बहुत स्लो हैं, ये जो स्पीड ब्रेकर थे बिल्कुल नहीं दिखे, और गाड़ी की हमने जो है ना ऐसी की तैसी फेर दी, हमने हिलाते हुए, और नहीं यार बहुत बुरे जंप लगे, वो दिखे ही नहीं है, एक्सपेक्टेड ही नहीं थे, या नहीं होने चाहिए यार, बॉर्डर है भाई, स्पीड में नहीं आ सकते है ना, इसीलिए तो कहते हैं ना स्पीड ब्रेकर ले जी। अच्छा हमने सोचा ये आगे जो है बंदा ये आगे अमारात का स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो भी सऊदी का काउंटर था, अभी तक सऊदी ही है ये, अलबत्ता पोर्ट है, नेक्स्ट देखते हैं ये अमारात के काउंटर कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ पे ख़त्म, ये यही आपको वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये था कि आपको एजुकेट कर सके, कि पता आप लोग को चल सके जो हमें नहीं पता। अभी हम एक दफा हो लिए इधर से तो हमें पता चल गया कि भाई तीन काउंटर गुजरे, दो तो साथ साथ में थे, एक तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद था, तो वो सब उसी के थे, वो इन्होंने ले ली, हाँ वो तीनों रसीदें ये लास्ट काउंटर में ले ली, तीनों रसीदें, तो अभी हम फेंक देते वो, हाँ वो रसीदें आपने फेंकनी नहीं है, जो आपको सेकंड काउंटर से मिलनी है वो लास्ट काउंटर पे आपने देनी है, फिर आगे जाना है। अभी हम आगे जा रहे हैं जी, ये देखे गाड़ियां लोड हुई जा रही हैं बहरेन में, सऊदी में, ये सब जो ट्रक्स आ रहे हैं फुली लोड अमारात से, जो सऊदीया जा रहे हैं, बहरेन जा रहे हैं, आगे कतर, उस पे लिखा हुआ था वेलकम टू यूएई। अच्छा वो मिस कर दिया, हाँ, ये सामने लिखा हुआ है वेलकम टू यूएई, ये देखें हमारा होगा या वीजा दिखाना होगा। ले जी वो काउंटर पे कोई भी नहीं बैठा हुआ, और हम लोग उधर तकरीबन
20 सेकंड तक खड़े रहे, हॉर्न भी दिया है, कोई नहीं आया बंदा, सो हम उसी तरह आगे चल पड़े। ये देखें, यही वीडियो बनाने का, ये सब चीजें एक्सप्लोर करने का, आपको बताने का यही मकसद है कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो जैसे हम फेस कर रहे हैं। हाँ, हम पिछले कोई 7-8 काउंटर से यही समझ रहे हैं कि हम अमारात में आ गए हैं, लेकिन वो सारे थे सऊदी के। अभी तक जो है वो सही काउंटर कोई नहीं मिला, कोई मालूम नहीं किधर जाना है। ये सामने बॉर्डर है, क्या है, सीधा जाने दे, वो बंद है रोड, किधर से जाना है यार, कोई आइडिया नहीं एरिया जिसमें गाड़ी का स्कैन, कोई आइडिया नहीं किधर से जाना है, क्या जाना है। भारत स्ट्रेट जा रहे हैं, लेट्स सी, कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, कोई भी बंदा नजर नहीं आ रहा जो गाइड करे कि जाना किधर है, क्या है। ये बॉर्डर खुले पड़े हैं, क्या तरतीब है, कोई आइडिया से तो ऐसे ही, ये ऐसे ही मेरा ख्याल गाड़ी की पूरी स्कैनिंग हो जाएगी इसमें से। लेट्स गो, कोई बंदा नहीं, अभी क्या करें, जाने दो। हमें कोई आइडिया नहीं है भाई, हम लोग सीधा सीधा जा रहे हैं, हम लोग के पास वीजा है, बट दैट्स इट। मेरा लगता है ये गाड़ी की स्कैनिंग होगी या ऑटो, वेट है, मेरे लगता है वेट के भी चार्ज है। वेट यार नहीं हो सकता, वेट गाड़ी का करके उन्होंने क्या कर, नहीं स्कैनिंग करते हैं एक्सरे, जैसे सऊदीया में भी है कस्टम वाले कभी कभी स्कैनिंग का अलग उन्होंने बनाया हुआ जी, तो वो एक्सरे के लिए मतलब भेजते हैं, तो ये शायद वो था। नहीं जी, हम लोग स्ट्रेट आई जा रहे हैं, किसी बंदे ने नहीं रोका, किसी ने नहीं पूछा, कंट्रोल पॉइंट आ गया। और जो हम पिछले कुछ टाइम से समझ रहे हैं ये काउंटर है, ये काउंटर है, मुझे लगता है अभी फाइनली ये है। ये सामने लिखा हुआ है इमिग्रेशन कंट्रोल पॉइंट, GCC सिटीजन इमिग्रेशन कंट्रोल पॉइंट फॉरनर्स, फॉरनर्स, लेकिन वो काउंटर सारे बंद हैं जो फॉरनर्स के हैं जी। ये सामने जो रेड सॉरी ग्रीन लाइट शो हो रही है, हम इसी काउंटर पे जाके देखते हैं अभी क्या है। यहाँ पे तो फाइनली एक बंदा हमें नजर आया है। हाँ जी, तो लेट्स सी, देखते हैं अभी कि ये क्या कहते हैं। ले जी, उस काउंटर पे गए हैं, उसने बोला कौन सा पासपोर्ट है, ओ पासपोर्ट कह रहा हूँ अकामा, हमने बोला सऊदीया का है, अमारात का है, किधर जाना है, तो उसने बोला सीधा जाओ, तो हम सीधा आ गए। अभी ये अगला काउंटर, अभी आगे फिर एक काउंटर आ गया, अभी ये मालूम नहीं क्या चक्कर है। ये लिखा हुआ है तफ्तीश सियारात सियाहा, यानी लेकिन ये ग्रीन लाइट जिस पे है ये बंद है, तो हमें जाना पड़ेगा दूसरी साइड पे, ऐसे ही है यार, ये तो बंद है, मुझे लगता है कहीं उधर तो नहीं जाना, मैंने जो एक वीडियो में देखा था। नहीं नहीं, वो इशारा कर रहा है इस तरफ, तो इसलिए हमें इस तरफ से जाना पड़ेगा, ये ऊपर है, पता नहीं यार पासपोर्ट में इशारा किया है कि यहाँ से आ जाए। ये ले जी, हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो उन्होंने बोला है भाई इधर किधर आ गए हैं, वो पीछे जाएं पहले कस्टम का पेपर लेके आए, अब वो उधर से मेरा ख्याल ये राइट जाना है, थोड़ा और पीछे जाएं, एक तो ये रोड है, वो पीछे से जा रहा है एक राइट उधर को। ये देखें जी, उस काउंटर से हम लोग आए हैं, और उधर से हमें ये जो है इधर को जाना था, जो कि हमें आइडिया ही नहीं है। ये क्या लिखा हुआ, पासपोर्ट कंट्रोल, यस एग्जैक्टली, वो उधर, यस, और ये इनका इमिग्रेशन का इधर बना हुआ है, और ये जो जहाँ से हम अभी वापस आए हैं ये कस्टम वाले थे। हाँ, इनको हमने लास्ट जो गाड़ी की चेकिंग करते हैं, और तो पासपोर्ट कंट्रोल, ये सब डेवलप हो रहा है। ये एक ऑफिस बना हुआ है, और ये इनका लेफ्ट में है पासपोर्ट कंट्रोल का ऑफिस, हैवी व्हीकल मॉनिटरिंग स्टेशन, बिल्कुल, ये हमें अभी ऑफिस में जाके तो इनका, हाँ शायद जैसे बहरीन और सऊदी के काउंटर बने हुए हैं, इनके काउंटर नहीं है, काउंटर बनाए हैं अभी, डेवलप हो रहे हैं। ले जी, हम लोगों ने इधर से व्हीकल इंस्पेक्शन ना हो, इधर से हम लोगों ने इधर जाके अंदर, इधर फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं होते, यहाँ पे आई स्कैन होती हैं, और वीज़ा चेक करते हैं आपका, स्टैंप लगा के, दैट्स इट। आप गाड़ी में जा रहे हैं, और जाने तो, से पहले वो ये देखते हैं इस बंदे की आंखों में क्या है इसकी आंखें शराफत शो कर रही है या कोई शैतानी शो कर रही है, अगर तो, शैतानी हो तो फिर जल्दी भेज देते हैं, अगर शराफत हो तो फिर उसका इम्तिहान लेते हैं। तो जी, इधर से अभी वापसी, उसी काउंटर पे जाना है इधर से, एग्जैक्टली,
तो ये जी पहले हमें नहीं पता था, हम सीधा उधर आ गए कस्टम वालों के पास। तो अभी हम जाएंगे कस्टम वालों के पास, और ये जो पेपर है जितने बंदे हैं ये इनसे एक पेपर लाजिम लेना है, वो उतनी स्टैंप लगाएंगे उस पेपर के ऊपर। फिर सेम एज बहरीन, सेम एज बहरीन नहीं, वो पेपर पे इतनी स्टैंप नहीं लगाते हैं, ये तीन बंदे तीन स्टैंप पे लगाएंगे। सऊदी में लगाते हैं शायद, सऊदी साइड पे ना, जब यहाँ सऊदी से आप नहीं, सऊदी ने तो तीन पेपर पेपर पे नहीं, वो स्टैंप पे लगाते हैं, लिख देते हैं एक बंदे कितने इसने लगाते हैं स्टैंप पे। तीन गौर ने कहा, हाँ तीन स्टैंप पे लगाते हैं। चलो जी।